शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दीदू, इनको सबक सिखाने के चक्कर में कहीं हमें सबक ना मिल जाए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो नहीं कीर्ति, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वरुण जी और अभय पे मुझे पूरा भरोसा है, पर हमें इस रागनी पे भरोसा नहीं है ना। दी, दो मिनट बात हो सकती है आपसे? सच धज के इन बंदरों के साथ कहाँ जा रही है? हम तीनों आज डेट पर जा रहे हैं। अभय और वरुण ने साबित कर लिया कि वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं। भाई, ये कुनाल कोई उल्टी पट्टी ना पढ़ा दे रागनी को। और आप मान गई? अरे ये दोनों बंदर नाच नाच रहे हैं क्योंकि बाद में आपको नचाएंगे। प्यार के नाम पे दुश्मनी निकाल रहे हैं। ऐसा तुझे लगता है, लेकिन मैंने देख लिया कैसे दोनों ने अपनी जान पर खेल के ना मेरी जान बचाई। और वैसे भी क्यों प्यार नहीं करेंगे वो मुझसे? खूबसूरत हूँ ना, सक्सेसफुल बिजनेस संभालती हूँ, होशियार भी हूँ, मेरे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी रहती है, तो फिर ये दोनों क्यों हैं? बहुत तेज हैं ये दोनों, कभी नहीं छोड़ेंगे अपनी बीवियों को। क्यों नहीं समझ रही हो? इनकी बीवियों की मेरे सामने क्या औकात? और वैसे भी अभय और वरुण को समझ में आ गया है कि श्रद्धा और कीर्ति से वफादारी करने में ना कोई फायदा नहीं। ये दोनों तो मेरी जूती के बराबर भी नहीं। वाह, अब ना हमारी जूती इसे सबक सिखाएगी। जा रही हूँ, अपनी जूती इसके मुंह पे चिपकाऊंगी तब इसे समझ में आएगा। अरे कीर्ति, नहीं, इसकी बेकार की बातों में मत आ। उसे कम से कम वरुण जी और अभय के लिए तो मत आना। अभय और वरुण ना मेरे लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। उस राज की तरह नहीं पढ़ती, तू सिर्फ आरती पर ध्यान दे, बाकी मैं संभालूंगी। इन्हें लगता है कि मैं इन पे भरोसा करने लगी हूँ। इन्हें नहीं पता कि अभी तो इन्हें और इम्तिहान देना बाकी है। इसकी ये ऐसी चुड़ैल वाली मुस्कान देख के तो मुझे ही डर लग रहा है। कुछ तो पक रहा है इसके दिमाग में, इसकी मुस्कुराहट में जहर उबलता हुआ दिख रहा है। रागिनी देखे तो खुशी का ठिकाना नहीं, अब शायद मुझे ही इन दोनों की असलियत सामने लाके इनको ठिकाने लगाना होगा। कीर्ति, जितना मैं इस कुनाल की शैतानी दिमाग को समझ पा रही हूँ ना, ये जरूर वरुण जी और अभय को भड़काने के लिए कोई ना कोई सबूत जरूर इकट्ठा करेगा। दीदी, जब तक वरुण जी और अभय उस रागनी को संभालते हैं ना, हमें इसे संभालना होगा ताकि प्लान चौपट ना हो। ये दोनों रागनी के साथ और घर के बड़ों को भी तक भनक तक नहीं लगी, क्या सोचा था? क्या क्या ही चल रहा है? नहीं भाभी, आगे मत बढ़ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। भाभी, किस सोच में डूबी हुई है आप? कम से कम रसोई में काम करते वक्त तो अपना दिमाग मत भटकाइए। तनुजा, आप ठीक है ना? कहीं जली तो नहीं दिखाई है? हाथ जला तो नहीं है? भाभी, भाभी आप ही बताइए, एक माँ पर क्या गुजर रही होगी? दिन रात अपनी बेटी को खुद से दूर होता हुआ देख, अपने पति को अकेले में चुप चुप के रुकता हुआ देख। भाभी, हम नहीं देख सकते आरती को कुनाल की वजह से बर्बाद होते हुए देख। तनुजा, ऐसा मत सोचिए,
सारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं ना आरती को वहां से बचाने के लिए। हा? अभी आरती अकेली नहीं है, हम हैं उसके साथ। अरे उस शैतान को हम मुंह नोच लेंगे अगर उसने हमारी आरती को हाथ भी लगाया तो। आंटी जी, इस घर की बेटियों की नहीं बल्कि बहुओं की भी जिंदगी बर्बाद ही है। सोनिया, क्या हुआ श्रद्धा और कीर्ति को? अच्छा था। अब वैसे वरुण, अंगूठी से याद आया, अवनी कैसी है? अवनी? मैं किसी अवनी अवनी को नहीं जानता, पागल हो गए क्या? चल बने दे। अच्छा, हो गया फैसला। वेटर, रागनी, यहाँ की कोल्ड कॉफी सबसे अच्छी है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। वेटर, 3 कोल्ड कॉफी, 2 कोल्ड कॉफी, जा। अरे रुक, कोल्ड कॉफी नहीं, 3 हॉट कॉफी, 2 हॉट कॉफी लेके आना। वो क्या है ना, यहाँ की कोल्ड कॉफी में बर्फ थोड़ी ज्यादा डालते हैं लोग, तो कहीं तुम्हारा गला खराब ना जाए। अरे रुक भाई, इसमें क्या कोल्ड कॉफी में बर्फ कम डलवा लेंगे, है ना? रानी, मैं कह रहा हूँ तुम्हें ना कोल्ड कॉफी पीनी चाहिए, बहुत अच्छी लगेगी तुम्हें। चाहिए चाहिए चाहिए, जल्दी चाहिए। अबे रुक, कोल्ड कॉफी से उसका गला खराब हो जाएगा, मुझे रानी की सेहत की फिक्र है, और कॉफी आएगी। बेटा जाओ जल्दी लेके। भाई अब ज्यादा हो रहा है। सर आप पहले मैडम से बात कर लीजिए, फिर आप मुझे बुलाइएगा। देख, तेरी वजह से हमारी इंसल्ट हो गई। भाई अब तू ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? रागनी को क्या पसंद है ये मैं तुझसे बेहतर जानता हूँ। हाँ, इसीलिए उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं, लेकिन अब मैं हूँ और रागनी सिर्फ मेरी है। अरे क्यों बहस कर रहे हो दोनों? अरे वाह, रागनी मेरी है। रागनी तेरी कब हुई है? अब रागनी, इससे तो अपनी बीवी नहीं संभाली जाती। आया बड़ा, रागनी का ख्याल रखूंगा। हाँ तो रखूंगा रखूंगा। और तू मेरी बात क्या कर रहा है? तुझसे तो अपनी बीवी संभाली नहीं गई। बताऊं क्या मोहित के बारे में? आया बड़ा रागनी पे हक जमाने वाला। कौन कौन मोहित? भाई अब ना ज्यादा हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ तेरे को, तू बड़ा भाई से लियाज कर रहा हूँ तेरा, वरना 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 क्या मारेगा? हाँ मारूंगा। हाँ तो तू मारेगा तो मैंने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, मैं भी मारूंगा। चल मार मार। अरे तू मार ना पहले। चल उंगली लगा लगा। तू तू टच कर, तू एक बार बस टच कर दे, एक बार टच कर, लगा दे। ये उठाना लगाना करते रहेंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं। कर रहे हैं क्यों चिल्ला रहे हो दोनों? क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम रागनी के पीछे कैसे थे? मेरी बात तो सुनो। अब तो आप दोनों झूठ भी बोलने लगे। पता नहीं उस रागिनी ने क्या जादू टोना किया कि उसी के इशारे पे नाच रहे हो। अरे तुम्हें तो सब पता है, बताओ। तुम दोनों के कान ना उनसे खिंचवाएंगे। अभी तुम हमसे कहो, अरे हमसे कहो। नहीं 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 चाची जी, माँ चाचा जी को कुछ नहीं बताना। चुप बैठो, देखो देखो कितना प्यार करती है आपसे, अभी भी आपको बचा रही है और आप है कि बेशरम। अरे मम्मी जी बात समझने की कोशिश कीजिए, यही तो हम भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन्होंने ना हमारी ना हमारे प्यार की ना इस परिवार की। हमारी किस्मत तो फूट गई है माँ, फिर से आपके बेटे ने बेवफाई कर दी। मम्मी
पागल हो गए क्या लोग? रोड़ी तो देखा था। बस, बहुत हो गया। सच ये है कि मैं और भाई रागिनी से प्यार करते हैं। और जितनी जल्दी आप लोग रागिनी को अपना लें, उतना ही अच्छा होगा। वरना भूल जाइए हमें। क्या? हमने क्या सोचा था कि हमारे घर को बचाएंगे, हमारे घर की इज्जत बचाएंगे, लेकिन हम अपनी इज्जत का क्या करें अब, जब हमारे पति दूसरे औरत के साथ। हम है ना आपके साथ, क्या हुआ अगर हमारी किस्मत की लकीरें अभी फिलहाल हमसे रूठ गई हैं, पर हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। क्या करिए, कुनाल आ गया है। साफ साफ दिख रहा है तुम सबका नाटक मुझे। इस नाटक का अंत मैं ऐसा लिखूंगा कि तुम खुद ही मुंह खोल दोगे रागिनी के सामने। वरुण जी और अभय को हमारे कारण नहीं मार लगी है, ये काढ़ा तो कुछ भी असर नहीं करेगा। कीर्ति, ये काढ़ा जरूर असर करेगा, सारा दर्द चला जाएगा। अरे कीर्ति संभल के, अभी तेरा हाथ जल जाता। तू ठीक तो है ना? कीर्ति, दीदू उठाइए जरा, देखिए किस फिराक में है। कुणाल बोलो। बोलने का नहीं, ये तो करने का टाइम। भाभी जी, जिस तरह तुम लोग मेरे बहन के साथ खेल रहे हो ना, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे पति की बहन के साथ थोड़ा मैं भी खेल लेता हूँ। कुणाल, कहाँ है आरती? कुणाल, अगर आरती को कुछ किया ना तुमने तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कुछ नहीं कर पाओगे तुम दोनों। आजमाना चाहते हो तो आओ, बचा लो अपनी प्यारी आरती को। एड्रेस मैसेज कर दिया, वक्त पे पहुंच जाना। कोई कमी मत रखना इन दोनों के स्वागत की। स्वागत है भाभी जी हमारे नरक में।
क्या है ये, क्या हो रहा? दरवाजा खोलो, कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो। ये रागिनी के चिल्लाने की आवाज थी ना? हाँ, वो मैंने रागिनी दी के कमरे में एक जहरीली गैस डाल के कमरा बंद कर दिया। आस्तीन के साथ अपनी बहन की जान लेना चाहता है तू? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा तेरी। एक मिनट रुक जाओ, पहले अपने प्यार को तो बचाओ। अरे अरे पूरी बात तो बताने दो। प्यार का मतलब मेरी रागिनी दी या तुम दोनों की बीवियां जो वहां आग में फंसी? अब देखता हूं किसे बचाओगे। ओहो, ये तो बड़ी भौकाल लेवल वाली मुसीबत हो गई यार। क्या करोगे आप? अगर दी को बचाने गए तो अपनी बीवियों से हाथ धो बैठोगे, और अगर अपनी बीवियों को बचाने गए तो मेरी प्यारी गुस्से वाली दी के हाथों अपनी जान दे बैठोगे। चलो चलो जल्दी फैसला लो, बनोगे मेरे जीजे या रहोगे मेरे साले? बताओ बताओ। अरे ऐसे देख क्या रहे हो? जाओ निकालो अपनी बीवियों को आग से, वरना बैठे बैठाए सुहागने जल की राख हो जाएंगी तुम दोनों की। फिर क्या मुंह दिखाओगे अपने इस अनेकता में एकता वाली फैमिली को? रागिनी, रागिनी खोलो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मैं आ गया हूँ, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। बचाओ! रागिनी बस मैं आ रहा हूँ। रागिनी संभालो अपने आप को। भाई एक साथ 3 2 1 Oh, my God.
आग बुझाने वाली मशीन लेकर आ गए हैं। डरिए नहीं। हाँ, तुम लोग बस थोड़ा सा सब्र रखो, हम लोग तुम्हें बचा लेंगे, बस आग से थोड़ा दूर रहना। संभाल के संभाल के। वरुण, मैं चाहती हूँ कि आज तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। वरुण जी, और कितना गिरेंगे आप? ये सब क्या आप अब हमारे सामने करेंगे? किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।